नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों बात करेंगे कब्ज के बारे में। तो कब्ज क्या है, कैसे करें उसका इलाज और किस तरह उससे राहत मिले हमें, और हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कब्ज से छुटकारा कैसे पाए और कब्ज का इलाज कैसे करें और क्या आपको इस कब्ज जब हो जाए तो उस समय आपको क्या खाना चाहिए और कैसी आपको सावधानियाँ बरतनी चाहिए। दोस्तों कब्ज से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, हालांकि वे इसका इलाज करने के लिए भी सभी तरह के तरीके अपनाते हैं जिनके असर कुछ समय तक रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद पेट की समस्या फिर से वही हो जाती है। इसकी वजह से ऐसे लोग ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या कभी उन्हें कब्ज से छुटकारा मिलेगा या नहीं। आमतौर पर कब्ज को लोग गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि उनकी नज़र में यह एक सामान्य समस्या है जिसे ज़्यादा तजनो देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इसके बेहतर इलाज की तलाश है ताकि वे इसके छुटकारा पा सके। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि किस तरह आपको कब्ज से छुटकारा मिलेगा। तो जाइए चलिए जानते हैं कब्ज क्या है। कब्ज से तात्पर्य पेट की ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति का मल त्याग करने में परेशानी होती है। इसके अलावा उसे मल त्याग के समय काफ़ी दर्द भी होता है जिसके लिए उसे मेडिकल सहायता लेनी पड़ती है। इस स्थिति में मल सख्त और सूखा हो जाता है और जो दर्द का कारण बनता है। कब्ज के लक्षण की बात की जाए तो यदि किसी व्यक्ति को 5 लक्षण नज़र आते हैं तो वह तुरंत अपना इलाज शुरू करना चाहिए क्योंकि यह कब्ज का संकेत हो सकते हैं। पहला, मल का काफ़ी कम होना। कब्ज का प्रमुख लक्षण मल का काफ़ी कम होना है। इस स्थिति में व्यक्ति को एक हफ्तों में 3 बार ही मल त्याग होता है और बाकी बार उसे बिना मल के बाथरूम में लौटना पड़ता है। दूसरा, मल त्याग करने के लिए दबाव लगना। जब किसी व्यक्ति को मल त्याग करने समय दबाव लगना पड़ता है सूचना अपने डॉक्टर को देनी चाहिए। यह समस्या कब्ज के संकेत हो सकती है जिसके लिए पूर्व इलाज की जरूरत पड़ती है। तीसरा, मलाशय में रुकावट महसूस होना। अक्सर कुछ लोगों को मलाशय में रुकावट महसूस होती है। ऐसे लोगों को इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कब्ज का लक्षण हो सकता है। मलाशय को पूरी तरह से खाली न होना। यदि किसी शख्स का मल करने के बाद भी ऐसा महसूस हो रहा है कि उसकी मलाशय पूरी तरह से खाली नहीं हुआ तो उसे तुरंत डॉक्टर से मिलकर इस पर बात करनी चाहिए। क्योंकि यह कब्ज को संकेत होता है इसलिए इसमें इलाज कराने की जरूरत पड़ती है। पांचवा, सख्त या गांठदार मल होना। कब्ज का अन्य लक्षण सख्त या गांठदार मल होना, इससे पीड़ित लोगों को इसी गंभीरता से लेना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। कब्ज किन कारणों से होता है उस पर बात करते हैं। तो कब्ज की समस्या किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है जिसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। आमतौर पर पेट की समस्या निम्नलिखित कारणों से होती है। दोस्तों खान पान में बदलाव करना, जैसे कब्ज होने का प्रमुख कारण है खान पान में बार बार बदलाव करना। हमें सभी लोगों को शरीर की विशेष तरह के खान की आदि होती है। ऐसे में जब हम शरीर के अलग अलग तरह का भोजन परोसते हैं तो उसमें कब्ज जैसी पेट संबंधी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना। आपने ये सुना होगा कि हमारे शरीर को पानी को कितनी ज़रूरत होती है। यह हमारे शरीर को डिहाइड्रेट से बचाने के साथ साथ एनर्जी भी देता है, लेकिन जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते तो यह कब्ज समेत काफ़ी सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। तीसरा, अधिक मात्रा से डेयरी उत्पादों का सेवन करना। जैसे कि कब्ज होने का संभावना ऐसे लोगों को अधिक होती है जो ज़्यादा करके डेयरी उत्पादों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, जैसे हुआ दूध हुआ, पनीर हुआ, जो भी दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। करना है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करना। चौथा, शारीरिक गतिविधियों न करना। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति को शारीरिक गतिविधियाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं करता है तो उससे कब्ज होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। इसलिए आपको डेली फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज या योगा करना चाहिए जिससे आपको कब्ज से राहत मिलती है। पांचवा, तनाव लेना। जैसे कि हम सभी लोगों को अपने तनाव को कम करने में अपने अपने तरीके होते हैं। एक और कुछ लोग तनाव को कम करने के लिए डांस, संगीत इत्यादि और सहारा लेते हैं तो दूसरी और कुछ लोगों तनाव से निपटने के लिए खाने का सहारा लेते हैं। तो कब्ज होने की समस्या दूसरी तरह लोगों को
अधिक रहती है जो ये तनाव में रहते हैं, क्योंकि वे तनाव को कम करने के चक्कर में अनहेल्दी फूड का सेवन करने लगते हैं, जिसका परिणाम कब्ज का रूप ले लेता है। दोस्तों अब बात करें कब्ज की पहचान कैसे करें कि हमें कब्ज हुआ है। हालांकि कब्ज काफ़ी सारी परेशानियों का कारण बन सकता है, लेकिन इसके बावजूद यदि किसी को पहचान समय रहते नहीं हो पाता है तो उन्हें इन सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता है। तो बात करें कि किसकी पहचान पांच तरीके से किस तरीके से की जाती है। दोस्तों मेडिकल हिस्ट्री की जांच करवाना, जैसे कि कब्ज का पहचान करने का समय आसान तरीका मेडिकल हिस्ट्री की जांच करना। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि किसी भी व्यक्ति को पहले पेट की समस्या का पता लगा सके। दूसरा ब्लड टेस्ट करवाना, ब्लड टेस्ट का द्वारा भी कब्ज की पहचान की जा सकती है। ब्लड टेस्ट में डॉक्टर व्यक्ति की शरीर के अंदरूनी हिस्से में गतिविधियों को मॉनिटर करने का काम करता है। तीसरा यूरिन टेस्ट करना, अक्सर कब्ज का पता लगाने के लिए यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। इस टेस्ट को इसलिए किया जाता है ताकि इस बात का पता लगा सके कि कब्ज के कारण यूरिन संबंधी समस्या को नतीजा तो नहीं। चौथा स्टूल टेस्ट करना, चूंकि कब्ज का संबंध पेट से है इसलिए इसकी पहचान स्टूल टेस्ट के द्वारा भी की जा सकती है। इसमें स्टूल की गांठ का पता लगाया जाता है ताकि कब्ज की सही कारण का पता चल सके। पांचवा एक्सरे करना, कई बार डॉक्टर कब्ज का पता लगाने के लिए एक्सरे का भी सहारा लेते हैं। इस दौरान पेट को एक्सरे किया जाता है ताकि इससे अंदरूनी स्थिति में मॉनिटर किया जा सकता है। अब बात करें कब्ज का इलाज कैसे किया जा सकता है। जैसे ही किसी व्यक्ति को कब्ज से पीड़ित होने का पता चलता है वैसे ही उसे अपना इलाज शुरू कर लेना चाहिए। ऐसे करने से वह कब्ज से होने वाले संभावित खतरों से बचा जा सकता है। चलिए आपको बता देते किस तरह कब्ज से छुटकारा पाया जाए और उसका इलाज किस तरीके किया जाए। पहला है घरेलू नुस्खे अपनाना। अब कब्ज का इलाज कराने का सबसे आसान तरीका है घरेलू नुस्खे का। इसके लिए नींबू पानी पीना, सादा भोजन करना इत्यादि, अपने खाने में बदलाव करना, ये सब करेंगे तो आप इससे बचे रहेंगे। दूसरा दवाई लेना, कब्ज का इलाज दवाई के द्वारा भी संभव है। ये दवाइयाँ कब्ज को बढ़ाने और इससे पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने का काम करता है। तीसरा सप्लीमेंट सेवन करना, अक्सर कब्ज को ठीक करने के लिए सप्लीमेंट का सहारा भी लिया जा सकता है। हालांकि इन सप्लीमेंट्स का सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। बायोफेडिक थेरेपी करना, आज के दौर पर कब्ज का इलाज के लिए बायोफेडिक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। इससे कब्ज समेत पेट संबंधित समस्या को ठीक किया जा सकता है। चौथा सर्जरी करना, जब कब्ज का इलाज किसी भी तरीके से नहीं हो पाता तब डॉक्टर सर्जरी का सहारा लेते। इसमें कॉलन को निकाल दिया जाता है ताकि मल त्याग सही तरीके से हो सके। कब्ज के जोखिम क्या हो सकते हैं। हालांकि कब्ज का इलाज संभव है जिसका लाभ काफी सारे लोगों को मिला है, इसके बावजूद कुछ लोगों को इस समस्या से पूरी जानकारी न होने के कारण उन्हें काफी सारी परेशानियों को जूझना पड़ता है। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति को कब्ज से पीड़ित है तो उसे पांच जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है। तो पहला गुदे का नस में सूजन होना, कब्ज का प्रमुख जोखिम है कि नस में सूजन आ जाता है। इसकी वजह से कब्ज की पीड़ित लोगों को दर्द महसूस हो सकता है जिसके लिए उन्हें दर्द विकार दवाइयां का सेवन करना पड़ सकता है। दूसरा गुदे का त्वचा का छिलना, कई बार कब्ज का परिणाम गुदे का त्वचा को छिलने के रूप में भी सामने आता है। इस स्थिति में मेडिकल सहायता लेना समझदारी का कदम साबित होता है। तीसरा बवासीर होना, यदि इस पेट की समस्या का इलाज लंबे समय तक न किया जाए तो यह बवासीर का कारण भी बन सकता है। हालांकि बवासीर का इलाज संभव है बेशर्ते उसकी पहचान सही समय पर कर लिया जाए तो अच्छा है। मल असंयम की समस्या होना, इस समस्या से पीड़ित कुछ लोग मल असंयम सही तरीके से मल त्याग नहीं कर पाते, ऐसे स्थिति में उन्हें तुरंत डॉक्टर से मिलकर अपनी इलाज करना चाहिए। पांचवा मूत्र संबंधी समस्या को होना, अक्सर कब्ज यूरिन ट्रेक्ट इन्फेक्शन समेत मूत्र संबंधी समस्या की वजह बन सकता है। इस कारण लोगों को नए सिरे से अपना इलाज शुरू करना चाहिए। दोस्तों अब बात की जाएगी कब्ज की रोकथाम कैसे करें। तो आपको क्या करना है, कब्ज की रोकथाम में हेल्थी डाइट अपनाना, जैसे चूंकि कम होने के कारण यह कारण अनहेल्थी फूड का कारण बन सकता है। अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, रोजाना अपने जीवन में एक्सरसाइज का शामिल करें, योगा करें, तो उससे आपका कब्ज की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अधिक मात्रा में आपको पानी पीना है, जैसे भी आपको समय मिले रोज का 6 से 8 ग्लास प्रतिदिन आपको पानी का सेवन करना है। और स्ट्रेस मैनेज करना है, जैसे आपको ज़्यादा स्ट्रेस लगा हुआ उसको हटा देना है आपको अपने मन से, और आपको खुले मन से जीना है। दोस्तों टॉयलेट या बाथरूम में अधिक समय तक आपको रोक के नहीं रखना है, इससे भी आपकी कब्ज की समस्या बढ़ती रहती है। और सुबह उठ के आप गर्म पानी नहीं पीते हो तो वो सबसे बड़ा कब्ज की प्रॉब्लम है, तो आपको सुबह उठ के गर्म पानी पीना है।
तो हालांकि दोस्तों कब्ज की समस्या का दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, जिसके मरीज भारत में समेत दुनिया भर में। यदि केवल भारत में की बात की जाए तो इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में लगभग 22% लोग कब्ज की समस्या से पीड़ित है। इसके बावजूद भी यह काफी दुख की बात है कि दोस्तों लोगों को कब्ज को लेकर जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से आसानी से यह बीमारी का शिकार बन जाते हैं। ऐसे में ये जरूरी है दोस्तों लोगों की कब्ज के बारे में अधिक से अधिक जानकारी लेना चाहिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।